नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के ऊपर। चलता हूँ टॉपिक के ऊपर। ज्यादातर मेरे पास कमेंट कर रहे थे कि जब हमारे ग्राउंड में मतलब कि हमारे गांव में यहाँ पर हम दौड़ करते हैं तो हमारी दौड़ इतने मिनट में आ रही है तो हम वहाँ फिजिकल देने जाएंगे तो क्या हम पे वहाँ दौड़ हो जाएगी या नहीं होगी। ज्यादातर का यही डाउट आ रहा है और आपको मैं इतना जरूर बता दूं, जो बच्चे दौड़ के अंदर फेल हो रहे हैं ना ज्यादा समय से नहीं हो रहे, कोई तो 4 सेकंड से, कोई 2 सेकंड से, कोई 15 सेकंड से ऐसे बच्चे फेल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपकी बात चिप का प्रयोग किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, यदि आपका अभी तक फिजिकल नहीं हुआ है, ध्यान से सुन लेना, यदि अभी तक आपका फिजिकल नहीं हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले जिनको दबाकर आल पे जरूर सेलेक्ट कर लेना, जिससे सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों छोटा भाई समझ के बड़ा भाई समझ के जो भी आपके डाउट है दिल्ली पुलिस संबंधित या अदर किसी वैकेंसी संबंधित, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बता देना, मैं जल्दी जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों मैं इतना जरूर बोल दूं, कुछ लोग, ध्यान से सुन लेना, सभी के लिए नहीं बोल रहा, कुछ लोग कोई एक दो ऐसे हैं कमेंट करते हैं उल्टे सीधे, तो मैं आपको हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, एक बार वीडियो को पूरी देख लिया करो। जब आप वीडियो को कंप्लीट देखोगे तभी तो समझ में आएगा मैंने क्या बोला है, तो वीडियो को पूरी देख के तब आप कमेंट किया। अब मैं लेके चलता हूं टॉपिक के ऊपर। ज्यादातर का कमेंट आ रहा था कि जब हम दौड़ करने जाते हैं हमारे खुद के ग्राउंड में, हमारे गांव में या जहां पर भी आप रहते हो वहां पर हमारी दौड़ 6:15 में आ रही है, 6:20 में आ रही है। फीमेल मेरे पास कमेंट करती हैं कि हमारी दौड़ है 8:20 में आ रही है, 8:40 में आ रही है, 8:50 में आ रही है, तो हम जब दौड़ करने जाएंगे वहां पर हम पे दौड़ हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुन लेना ऐसे भी बच्चे हैं जिनकी दौड़ घर कितने में आ रही थी, 6:40 में, 6:20 में, 6:10 में, लेकिन उन्होंने वहां पर दौड़ कंप्लीट की है, फिजिकल पास किया है। और ऐसे भी बच्चे हैं जिनकी दौड़ घर कितने में आ रही थी, 5:30 में, 5:40 में, तब भी वो फिजिकल में यानी दौड़ में फेल हो गए हैं। ऐसा क्यों, मैं आपको बता दूं दोस्तों, डिपेंड करता है वहां के माहौल के ऊपर, ध्यान से सुन लेना। ऐसे बहुत बच्चे होंगे जो अदर स्टेट से फिजिकल देने आएंगे, किसी दोस्त कोई तो ऐसा है जिसके कहीं पर पैर में चोट लग जाती है, कोई ऐसा है जो बस में रेलगाड़ी में चलते चलते थक जाता है, कोई सो नहीं पाता, जिस कारण से उन पे दौड़ नहीं हो पाती। तो मैं आपको बता दूं डिपेंड करता है वहां के माहौल के ऊपर, वहां का माहौल कैसा है। यदि बच्चा फिजिकल दे रहा है मतलब कि दौड़ कर रहा है, उससे पहले ही वो थक जाता है, जोरदार तरीके से धूप पड़ रही है, तो उस पर फिजिकल नहीं होगा, चाहे से आपको 5:40 में आपकी दौड़ आ रही है। लेकिन इतना जरूर बता दूं, यदि आपकी दौड़ 6:10, 6:20 में भी आ रही है तब भी आप आराम से कंप्लीट कर लोगे। आ रहा हूं मेल की, फीमेल की बता दूं, 8:10, 8:20 में भी आपकी दौड़ आ रही है तब भी आप ग्राउंड में दौड़ कर लोगे आराम से। लेकिन आपको नेगेटिव नहीं सोचना, ध्यान से सुन लेना, और ऐसी चीजें नहीं करनी जिससे रिक्स भरा काम हो, मतलब कि चोट लग सके, ऐसे काम आपको नहीं करने। और कोशिश करनी है सुबह जल्दी जाके लाइन में लगने की, ठीक है, ध्यान से सुन लेना, आपको कोशिश करनी है कि सुबह 5 बजे जाकर ही मैं लाइन में लग जाऊं। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि दोस्तों यदि फिजिकल अंत में होगा तो अच्छी खासी धूप पड़ने लग जाती है, और धूप के कारण कितनी मिनट में आपकी दौड़ आ रही हो घर, वहां पर आप फेल हो जाते हो। क्यों हो जाते हो आपको मैं बता देता हूं, अब की बार चिप का प्रयोग किया जा रहा है। ज्यादातर बच्चे जो फेल हो रहे हैं ना वो ज्यादा मिनट से फेल नहीं हो रहे, वो सिर्फ और सिर्फ कोई तो 2 सेकंड से फेल हो रहा है, कोई 5 सेकंड से, कोई 1 सेकंड से, ऐसे बच्चे फेल हो रहे हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अब की बार किया जा रहा है चिप का प्रयोग। और चिप क्या होती है आपको सबको पता होगा, जितने मिनट में आप दौड़ करोगे उतने ही मिनट वो काउंट करती है। और पहले क्या था, रस्सी वाला जुगाड़ था, जब दोस्तों वो रस्सी उठाते थे तो रस्सी उठाने में ही समय लग जाता था, जिससे जिसके 15-20 सेकंड ऊपर भी आती थी ना उस बच्चा भी सेलेक्ट हो जाता था, वो भी पास हो जाता था। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है, 1 सेकंड भी यदि ऊपर चले गई तो आप फेल हो जाओगे। तो मैं आपसे इतना ही बोलूंगा, 3 चीजों पे पकड़ बना लो, एक ही बात बोलता हूं, 3 चीजें क्लियर कर दी तो सिलेक्शन ले जाओगे। इसलिए बोलता हूं आपके ये डाउट है ना कि मेरी यहां पर 8:10 में आ रही है, कोई बोल रहा है मेल मेरे पास कि मेरी 6:20 में आ रही है, आप दौड़ आराम से कंप्लीट कर लोगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है ऐसे कार्य नहीं करने जिससे आप डिमोटिवेट हो जाओ, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए, पैर में चोट लग जाए, यदि ऐसे कार्य होते हैं तो आप पे फिजिकल नहीं निकलेगा, या फिर दोस्तों जोरदार धूप पड़ रही है तब आपका फिजिकल ले लिया जाए तो दिक्कत आ सकती है। तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको बता दूं दौड़ करते टाइम आपको क्या करना है। दोस्तों ध्यान रखना,
जब आप दौड़ कर रहे हो ना दोस्तों, जब आपको ग्राउंड में दौड़ के लिए उतारा जाए तो आपको कोशिश क्या करनी है, आपको शुरू के 7-8 बच्चों के बीच में ही रहना है, मतलब कि 7-8 बच्चों के साथ साथ ही दौड़ना है, ठीक है। और आपको जितनी स्पीड से आप दौड़ रहे हो उतनी स्पीड में आपको दौड़नी है, ऐसा नहीं है पहले तो खींच दी और बाद में रुक गए, ऐसा मत करना। क्यों? क्योंकि 6 मिनट से एक भी ऊपर चले जाएगी सेकंड भी तो आप फिजिकल से बाहर हो जाओगे। इसके अलावा ज्यादातर कमेंट भी कर रहे थे हम स्टॉप वॉच ले जा सकते हैं क्या, घड़ी पहन सकते हैं, बिल्कुल घड़ी भी पहन सकते हो, स्टॉप वॉच भी ले जा सकते हो। बहुत ये भी कमेंट करते हैं हम नंगे पैर कर सकते हैं या फिर हम जूते पहन के कर सकते हैं, जैसा भी करना चाहो कर सकते हैं, लेकिन मैं सलाह आपको यही दूंगा जूते पहन कर ही दौड़ करना। क्यों? क्योंकि जैसे धूप पड़ना स्टार्ट होती है जो मिट्टी होती है वो भी गर्म हो जाती है, जिस कारण से बच्चों के छाले हो जाते हैं, वो फैल हो जाते हैं। तो मैं आपको एक ही सजेशन देता हूं, जहां से जहां तक हो सके दोस्तों जूते पहन कर ही दौड़ करना। तो ये डाउट मैंने आपके क्लियर कर दिया। इसके अलावा ज्यादातर ये भी कमेंट करते हैं कि हम जूते पहन के ऊंची कूद और लंबी कूद करें या फिर कैसे करें, तो मैं आपको बता दूं ये आपके ऊपर निर्भर है, ध्यान से सुन लेना, आपके ऊपर निर्भर है। जैसे आपने घर प्रैक्टिस करी थी वैसे ही करने की सोचना, जिससे आप आराम से क्लियर कर सको। अब भी आपका कोई डाउट रह जाता है बेझिझक इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना, मैं जल्दी जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चैनल पे यदि पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को दबाकर ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, जिससे सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।